साथियों पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पढ़ो ऑनलाइन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का जो विषय है राजस्थान की चित्र शैलियों में, यह पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसको पढ़ लें, वो लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी तक भाग फर्स्ट में हमने देखा, फर्स्ट और सेकंड कर मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली के विषय में हमने पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्न हमने हल किए थे। आज हम इस विषय में देखने वाले हैं ढूंढाण शैली हो गई और हाड़ौती शैली। तो चलिए शुरुआत करते हैं ढूंढाण स्कूल से, जिसमें सर्वप्रथम है अलवर शैली। अलवर शैली पर ईरानी, मुगल तथा जयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यह शैली महाराजा विनय सिंह के काल में इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। महाराजा शिवदान के समय इस शैली में वैश्या या गणिकाओं पर आधारित चित्र बनाए गए हैं, अर्थात कामशास्त्र पर आधारित चित्र इस शैली की निजी विशेषताएं हैं। इस शैली में हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रकारी का कार्य चित्रकार मूलचंद के द्वारा किया गया है। बसलो चित्रण अर्थात बॉर्डर पर सूक्ष्म चित्रण तथा योगासन इस शैली का प्रमुख विषय है। तो ध्यान में रखना है, योगासन बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, योगासन किस चित्र शैली से है, तो वह अलवर शैली से है। अलवर शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में शुभ आकाश का तथा सफेद बादलों का दृश्य दिखाई देता है। इसके प्रमुख चित्रकार मुस्लिम संत शेख सादी द्वारा रचित ग्रंथ गुलिस्तां पर आधारित चित्र गुलाम अली तथा बलदेव नामक चित्रकारों द्वारा तैयार किया गया है। इसके प्रमुख चित्रकार डालचंद, सहदेव व बुद्धिराम इसके प्रमुख चित्रकार हैं। अगला है ढूंढाण शैली, आमेर शैली। इस शैली में प्राकृतिक रंगों की प्रधानता ज्यादा है। इस शैली का प्रारंभिक विकास मानसिंह प्रथम के काल में हुआ है। मिर्जा राजा जयसिंह का काल आमेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आमेर चित्रकला शैली का प्रयोग आमेर के महलों में भित्ति चित्रण के रूप में किया गया है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें बिहारी सतसाई, जगन्नाथ चित्रकार, आदि पुराण पुष्पदत्त चित्रकार, यह इसके प्रमुख विषय और चित्रकार हैं। जयपुर शैली, जयपुर शैली का प्रारंभिक विकास सवाई जयसिंह के समय हुआ। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के काल में देखने को मिलता है। जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के समय इस शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र अर्थात पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकार साहेब राम के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, साहेब राम द्वारा राजा महाराजाओं के बड़े बड़े पोर्ट्रेट आकार के चित्र बनाए गए हैं। इसमें जो प्रमुख चित्र हैं वह गोवर्धन पूजा, इसके चित्रकार गोपाल दास चित्रकार रहे, रास मंडल प्रमुख चित्रकार इसमें गोविंद राम, लक्ष्मण दास, सागी राम, गोपाल दास प्रमुख चित्रकार थे। और जो चित्रण के विषय थे वह युद्ध प्रसंग, जानवरों की लड़ाई, कामसूत्र व पौराणिक कथाएं इसके प्रमुख चित्रण के विषय रहे हैं। उनियारा शैली, इस शैली में जयपुर व बूंदी शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं उसमें मीर बख्श, बक्ता, काशीराम, धीमा उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली का जो प्रमुख विषय है वह रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया रीति काल के प्रसिद्ध कवि केशव राव द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। अगला है शेखावाटी शैली। इस शैली का विकास शार्दुल सिंह शेखावत के काल में हुआ था। इस शैली का प्रयोग हवेलियों में भित्ति चित्रण के रूप में हुआ है। यह शैली हवेलियों में भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध शैली है। इस शैली में भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार चेजारे कहलाते हैं। ध्यान रखना है, चेजारे जो भित्ति चित्रण करते हैं उनको चेजारे बोलते हैं। शेखावाटी शैली के भित्ति चित्रण अपने चित्रों पर अपना नाम तथा तिथि अंकित करते थे। बलखाथी बालों की लट का एक और अंकन शेखावाटी शैली का प्रमुख चित्र है। लोक जीवन की झांकी इस शैली का प्रमुख चित्रण विषय रहा। इसमें प्रमुख चेजोर जो कि चित्र बनाते थे उनको चेजोर कहा जाता था। उसमें बालूराम, तनसुख, जयदेव इसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं। अगला है बूंदी शैली। बूंदी शैली का स्वर्णकाल सुरजन सिंह हाड़ा का काल माना जाता है।
बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की शैली या प्राचीन विचारधारा की शैली कहा जाता है। बूंदी शैली किशनगढ़ शैली के बाद राज्य की सर्वश्रेष्ठ शैली है। बूंदी शैली में दक्षिण शैली, ईरानी शैली, मुगल शैली व मराठा शैली का समन्वय देखने को मिलता है। बूंदी शैली के अंतर्गत यहाँ स्थित चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। रंगमहल के चित्र राव शत्रुसाल हाड़ा के समय तैयार किए गए। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शैली में सुनहरे तथा भड़कीले रंगों का प्रयोग बहुतायत किया गया है। इस शैली का प्रमुख चित्रकार अहमद अली हैं। वर्षा में नाचता मोर, वन में घूमता शेर, वृक्षों पर कूदते बंदर तथा पुरुष आकृति में चित्रण इसके प्रमुख विषय रहे हैं। हाड़ौती शैली। इस शैली का स्वतंत्र विकास महाराजा राम सिंह के समय हुआ। कोटा शैली में महाराजा उमेद सिंह हाड़ा के समय सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए हैं। तो हाड़ौती के अंतर्गत ये कोटा शैली है, कोटा शैली प्रमुख है, जो कि महाराजा राम सिंह के समय पर फली फूली थी। शिकार दृश्यों का चित्रण इस शैली का मुख्य विषय रहा है। राज्य की एकमात्र शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है वह कौन सी शैली है? कोटा शैली। कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र रागमाला सेट 1768 ईस्वी में महाराजा गुमनाम सिंह के समय डालू नामक चित्रकार, बहुत महत्वपूर्ण है, डालू नामक चित्रकार द्वारा तैयार किया गया है। इसमें प्रमुख चित्रकार डालू, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, रघुनाथ दास, लच्छी राम, कुचामन ख्याल के जनक लच्छी राम को कहा जाता है, आदि इसके प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकला की जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो देख लेते हैं। जोधपुर में चितेरा धोरा, उदयपुर में टकमल तुलिका कला परिषद, जयपुर में कलावृत आयाम पेंग क्रिएटिव संस्थाएं, जवाहर कला केंद्र 1993 में। भीलवाड़ा की प्रमुख संस्था अंकन है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स महाराजा राम सिंह के 1857-1866 में जयपुर में स्थापित हुआ, जिसका पुराना नाम मदरसा ए हुनरी था। राजस्थान ललित कला अकादमी 24 नवंबर 1957-1956 में जयपुर में स्थापित है। प्रमुख चित्रकला संग्रहालय पोतीखाना जयपुर, जैन भंडार जैसलमेर, पुस्तकमान प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, अलवर भंडार अलवर, कोटा भंडार कोटा। चित्र शैलियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजस्थानी चित्रकला शैलियों में मोर पक्षी को प्रधानता दी गई है। राजस्थानी चित्रकला शैलियों में लाल व पीले रंग का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से कोटा तथा बूंदी रियासत राजस्थान की समृद्ध रियासतें हैं। बीकानेर शैली तथा शेखावाटी शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण बसेरी नाक में किशनगढ़ शैली के चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि बसेरी जो कि नाक का आभूषण होता है उसको किस चित्र शैली में दर्शाया गया है, तो उसका जवाब हो जाएगा किशनगढ़ शैली के चित्र में। वीर जी जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। उत्तर ध्यान वे कल्याण रागिनी वीर जी के प्रमुख चित्र हैं। कोटा की झाला हवेली शिकारी दृश्यों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध रही है। इसका निर्माण झाला जालिम सिंह द्वारा किया गया है। शेखावाटी में गोपाल दास की छतरी पर किया गया भित्ति चित्रण सबसे प्राचीन है, पारंपरिक है, जो देवा नामक चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राजस्थानी चित्रकला शैलियों में सबसे जो प्राचीन चित्र है वह दसवें कालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया, जो वर्तमान में जैन भंडार में संग्रहित है। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय चित्रकारों ने हवेलियों, मंदिरों, बावड़ियों इत्यादि को चित्रित किया है। शेखावाटी क्षेत्र के कस्बे हवेली भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध रहे हैं। मंडवा, जबलगढ़, लक्ष्मणगढ़, महेंसर, फतेहपुर इत्यादि कस्बे इसके अंतर्गत आते हैं। पैर में से कांटा निकालते हुई नायिका का जो चित्र है वह कोटा शैली का प्रमुख चित्र है। तो अब हम इस पर देख लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हल कर देख लेते हैं जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह है, आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहिब राम। तो साहिब राम जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के समय जयपुर शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र अर्थात
पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकार शाही राम के द्वारा तैयार किए जाते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाई जयसिंह। तो सही जवाब है सवाई जयसिंह। सो प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाड़ौती शैली के अंतर्गत ये आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर चार शैलियां बताई हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर शैली, नांदवारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली आती है। मारवाड़ के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली आती है। ढूंढाड़ के अंतर्गत जयपुर शैली, आमेर शैली, उनियारा शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली आती है। और हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली यहाँ पर आती है। अगला प्रश्न है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्र में किया संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर राज्य। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बूंदी चित्र शैली की, जिसमें पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अलवर चित्र शैली का वह कौन सा कलाकार था जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूलचंद और उदयराम। सही जवाब है मूलचंद उदयराम। राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राव छत्रसाल। तो यहाँ पर राव छत्रसाल ने रंग महल बनवाया था जो सुंदर भित्ति चित्रों से संबंधित है। राव उमेद सिंह का समय बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल था। बूंदी शैली के अंतर्गत राव उमेद सिंह का जंगली सुअरों का शिकार करते हुए बनाया चित्र 1750 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, मेहंसर प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोने की चित्रकारी के लिए। मेहंसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का एक गांव है। अगला प्रश्न है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला के किन शैलियों का मिश्रण है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जयपुर और बूंदी शैली। निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपना साथ ले जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमेद सिंह प्रथम। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है? मुगल से सर्वाधिक प्रभावित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर शैली। अगला प्रश्न है, दुगारी चित्र संबंधित है? तो दुगारी चित्र संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी शैली से, बूंदी शैली। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा नानक राम। नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजली पेंटिंग। तो जो कजली पेंटिंग है, जो कि काजल से बनाई जाती थी, तेल के दीपक जलाने से प्राप्त जो कार्बन, ब्लैक कार्बन जो प्राप्त होता था, उसको कागज के टुकड़े का उपयोग करके कागज या कपड़े पर फैलाया जाता था, उसी को कजली पेंटिंग कहते थे। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत खाना। अगला है, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को चित्रकला प्रेम के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रतन सिंह। अगला प्रश्न है, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा शैली से। अगला प्रश्न है, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? तो ये भी महत्वपूर्ण है, योगासन तो ये अलवर शैली का महत्वपूर्ण विषय रहा था, तो इसका सही जवाब है अलवर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो चित्र शैली है उसको दो भागों में पढ़कर पूरा कवर कर लिया है। अगर आप ये दोनों पार्ट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसमें परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको इस विषय से संबंधित और भी प्रश्न चाहिए तो हमें आप कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।